तो इसके पश्चात जो व्यवहार है वह व्यवहार किस प्रकार से होता है? यह व्यवहार जब होता है तो जीते समय हमारा व्यवहार दो प्रकार से होता है। एक व्यवहार होता है अपने आप से, अपने आप का जीवन चलाना या अपने आप के साथ व्यवहार। तो अपना जीवन जो चलाना है तो अपना जीवन चलाने के लिए कैसे चलते हैं? अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं। अपना जीवन चलाने के लिए पवित्रता, शुद्धता, यह निजी जीवन में आवश्यक बातें हैं। हम तो अभी रास्ते पर चल रहे हैं, पहुंचने के पश्चात भी जीवन उसी प्रकार का होता है। इन लोगों का जीवन इसी प्रकार का क्यों होता है? क्योंकि उनको पता यद्यदा चरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरोऽयम्। जैसे बड़े लोगों को आचरण करते हुए देखेंगे उसी प्रकार से पीछे आने वाले आचरण करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका जो व्यवहार होता है वह व्यवहार लोगों के लिए आदर्श के तौर पर होगा। लोक संग्रह के लिए इस प्रकार का इनका व्यवहार होता है। लोक संग्रह मतलब यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना, यह बात नहीं है, यहाँ पर विषय है लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना कि अपने जीवन को किस प्रकार से चलाया जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि संत महात्माओं के जीवन में परेशानियों की कोई कमी नहीं होती। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जीवन में परेशानियों की कोई कमी नहीं है। जन्म भी नहीं लिया है तो परेशानियों की श्रृंखला लगी हुई है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे। पैदा होने वाला है तो माँ पिताजी को कैद करके रखा हुआ है, जेल में डाल के रखा है, अभी आने वाला इसी बात को लेकर। इसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है एकदम सही प्रकार से चल रहा है। और खुद भी कहते हैं कि तीनों लोकों में प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ पाना नहीं है, फिर भी जिस प्रकार से जीवन चलाना आवश्यक है उस प्रकार से मैं अपने जीवन को चला रहा। तो ये जो है शुचि, दक्ष, सावधानी। अब सावधानी किस विषय में? वह जो तत्व है वह तत्व केवल बाहर के जगत में उपस्थित नहीं है, वह तत्व यहां हर समय उपस्थित है, इसके विषय में सावधानी। यह सावधानी बहुत आवश्यक है। हम अन्य सभी जगत का आदर सत्कार करते हैं, भगवान का तो करते ही, लेकिन लोगों का करना चाहिए यह भी हमें पता होता है। साथ ही साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आदर किया जाए, यहाँ पे उसको निग्लेक्ट नहीं किया जाए। इस तरह बैठी हुई सबकी सब माताएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सबकी ये बात होती है कि परिवार को देखते देखते अपने लिए समय की नहीं है, सबका करना है, सबका करना है। काम करने के लिए मैं मनाई नहीं कर रही हूँ, सबके लिए सब कुछ कीजिए, लेकिन वह प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, उसको तकलीफ नहीं दीजिए, उसको ठीक से खाना खिलाइए, उसको जो दवाई देने की जरूरत है उस चीज का ध्यान रखिए, और वह सब कुछ पहले अपने आप को संभालिए फिर पूरे परिवार का बोझ उठाइए, यह बहुत जरूरी है। दक्ष है क्योंकि उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। उदासीनता, क्या प्राप्त होगा क्या प्राप्त नहीं होगा, जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा।
उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीन, उत यानी ऊपर, जो बीच में बैठे हुए लोग हैं नीचे, इन सब की तुलना में यहां पर बैठे हुए जो है उत आसीन है, ऊपर बैठे हुए। इन सब लोगों से पीछे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो और उत आसीन है, और इन सबसे ऊपर ये आसन है, इसलिए मैं जिस स्थान पर बैठी हूँ उत आसीन। यह उत आसीन है किन चीजों से? जगत से। जगत से अपने आप को ऊपर उठा लिया है, जगत का व्यवहार ऐसे ही चलेगा, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। सारी की सारी दसवें अध्याय में बताई हुई विभूतियां हैं और ग्यारहवें अध्याय में बताया हुआ विश्वरूप है, इसलिए किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अपने आप को तत्व के तौर पर स्वीकार किया। उत आसीन गतव्य था, जब उत आसीन हो जाते हैं तो किसी के भी प्रति कोई व्यथा नहीं है कि इसका ये हो गया उसका हो गया, हाय राम मर गए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उत आसीन है, जगत से अपने आप को बाहर निकाल लिया। देखिए, हम जहां से भी अपने आप को हटा के एक तीसरे व्यक्ति की तरफ उस चीज को देखते हैं तो परेशानी हमारी बंद हो जाती है। दसवीं बारहवीं की परीक्षाएं हैं, दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं हर साल आती है, हमको परेशानी नहीं होती, हर साल होती है। जिस साल हमारे घर से कोई दसवीं और बारहवीं में है, ये बोर्ड वाले पता नहीं क्या क्या करते हैं, टाइम टेबल ठीक से नहीं बनाते हैं, इनका कोई काम ठीक से नहीं होता है, सिलेबस का कोई ठिकाना नहीं है, पढ़ाया नहीं है ठीक से, कैसे बच्चे एग्जाम देंगे? हर साल होता है, हम इस साल क्यों परेशान है, हम उसमें फंसे हैं। जब हम उससे बाहर निकल जाते हैं, उत आसीन हो जाते हैं, हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा ऐसे हुआ, हाँ ठीक है, वो तो क्या हम सब होते ही रहे उदासीन, वैसे ही ये जगत के प्रति उदासीन है, उत आसीन, उससे बाहर निकले हुए। न रुष्यति न द्वेष्यति, कुछ प्राप्त हो गया, हा 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 हा, और आजकल तो टीवी चैनल वाले हैं, आपको कुछ मिल गया तो कैमरे वाले पीछे पीछे एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, आप एक बाइट। पांडवरंग शास्त्री आठवले जी स्वाध्याय परिवार के, उनके लिए मैगासेसे पुरस्कार डिक्लेयर हुआ, टीवी की लड़कियां उनके पीछे पीछे, आपको कैसे लगा? अच्छा लगा, नहीं आपको क्या फील हो रहा? वो कोई टेनिस की मैच है या क्रिकेट की मैच है कि जीतने के बाद में कपड़े खोल के हार चिल्ला रहे हैं, वो अलग प्रकार के लोग हैं। मैंने कुछ कर लिया, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे खोना है, जो कुछ भी इकट्ठा करके रखा है उन सब चीजों को खोना है, निकाल देना है, माइनस करना है, डिलीट मारना है, डिलीट 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 डिलीट। न रुष्यति न द्वेष्यति, किसी का द्वेष भी नहीं करती, वो तो मुझसे इतना, उसको कुछ नहीं आता है, उसको डॉक्टरेट मिली, उसने कुछ काम नहीं किया, उसको तो पद्मश्री मिली, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, न दुखी होते हैं किस बात के लिए, पड़ोसी के घर में ये चीज आ गई मेरे घर में क्यों नहीं,
क्योंकि उसकी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि यह बात पता है जीवन को चलाने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। मृणालिनी देसाई करके हमारी मित्र की गांधीवादी स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी, और उनको तब बड़ा दुख होता था जब स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी सारा काम करती थी, 18 साल के नहीं थे तो पकड़ के जेल में नहीं बंद करते, तो बाद में वो कहती थी कि लेकिन मेरा उपयोग बाकी लोग खूब किया करते थे, मैं 18 साल की थी, नहीं 16 साल की थी, इधर से मैसेज उधर लेके जाओ, इधर से सामान उधर लेके जाओ, जो कुछ करना है सब मेरे जिम्मे होता। उनके पति महोदय से मैं काफी मार मिली, तो कहते हैं हमारी जो बीवी है इसके हाथ में यदि अगर मैं घर का पूरा कारोबार दे दूं, तो एक छोटे परिवार से 2x2 का परिवार, 2x2 माँ पिताजी हम तो हमारे दो 2x2 के परिवार से निकल के जिस घर में 40 लोग थे उस घर की बड़ी बहू थी, उन्होंने वो सब कुछ निभाया। और उनके पति महोदय बता रहे थे, बोले इसके हाथ में यदि अगर मैं दूं ना तो ये सब लोगों को खिचड़ी खिलाएगी, सोने के लिए चटाई देगी, और बोले कि जीवन के लिए आवश्यकता इतनी होगी, कोई जरूरत नहीं है बाकी सब चीजों की। ये वास्तविकता है, हमारे घर में कितना सामान होता है उपयोगी नहीं होता, उपयोग में लाते नहीं है, चाहिए 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 इकट्ठा करके रखा हुआ होता है, न काम से थी क्योंकि पता है कि कोई जरूरत नहीं, न शोचनी न कांक्षनी। अपने लिए व्यवहार करते किसी चीज की अपेक्षा नहीं, इसने मुझे अच्छा कहना चाहिए, इसने ऐसे कहना चाहिए, उसने वैसे कहना चाहिए, और हम लोगों की जो अपेक्षाएं है ना अद्भुत होती है, हमारे किसी के मन में बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती नहीं, भगवान के दर्शन हो जाए वो तो जब नाम शिविर में आते हैं और दिन भर सुनते हैं तब कहीं तो भी उठता है, भगवान के दर्शन करना चाहिए मुझे लगता है, यहाँ से गए हैं तो भगवान भी गए और दर्शन भी गए। हमारी अपेक्षाएं छोटी छोटी होती है। उनके घर में गए थे, पूरा समय रहने वाले तो नहीं थे, ठीक से आओ अगति कर रहे हैं, आओ बैठो कहते, एक कप चाय पिला देते, उतना भी नहीं किया, हम उसी में फंसे। अपेक्षा कोई अपेक्षा नहीं है, और इसीलिए मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख निंदा स्तुति ये सब की सब जो बातें हैं, ये सब की सब बातें एक साथ आती हैं, इन सब बातों से अप्रभावित है। इसका मतलब क्या है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि सुख की स्थिति क्या है, दुख की स्थिति क्या है, कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, ये ठंडा है गर्म है, लेप्रसी वाले हो गए हैं क्या, ठंडा गर्म कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये सब के सब लोग जो होते हैं इनको सम्मानित बहुत जल्दी बना लेते, लेकिन इन्हीं बातों में लगे हुए नहीं है। हमारे लिए किसी ने एक शब्द कह लिया हो और हम ये बातें आपस में करते हैं बड़े गर्व के साथ कहते हैं, उस परिवार के साथ में पिछली 7 पीढ़ियों से हमारी दुश्मनी, लो भाई क्या हो गया था, कुछ तो हो गया था, और तब से हम निभा रहे हैं दुश्मनी को, हे प्रभु। इसकी अद्भुत चर्चा यदि अगर चाहिए निंदा और स्तुति की और दुश्मनी की,
शादियों का जो तमाशा होता है, शादी में जिसका कोई महत्व नहीं है, जो दूर वाला रिश्तेदार है वो जाके वहां पे ऐसे माहौल बनाता है कि वही सब कुछ है और पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ के जा रहा है। लड़कियां लड़की वाले परेशान, और वह जो है वह पूरा का पूरा किस्सा उस माई को पूछ लेना, वो अपने 80 साल की उम्र तक भी बताएगी कि उस दिन क्या हुआ था। दोनों परिवारों को वो प्रसंग भूलेगा नहीं, पकड़ के रखा हुआ। निंदा और स्तुति इन चीजों से हम अपने जीवन को चलाते हैं। जो भक्त है इनके जीवन में निंदा और स्तुति का महत्व नहीं होता है। क्योंकि सभी में वे अपने आप को ही देखते हैं। इसके लिए यदि अगर कोई निंदा करता है तो कहते हैं अपने शरीर की निंदा तो मैं ही करता हूं। जो हम दोपहर में देखते हैं अत्यंत मलिनो देह, ये तो मैं भी कहता हूं कि देह तो अत्यंत मलिन है, तो उसने निंदा कर ली तो कौन सी बड़ी बात थी। सच्ची कहा है, ये तो ऐसे ही है। स्तुति की तो उससे प्रभावित नहीं है, तो कहते हैं ठीक है अपने आप की थोड़ी ना कोई तारीफ करता, सभी जगह वही उपस्थिति है। इसके लिए निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं है, और इसीलिए मान भी नहीं होता है और अपमान भी नहीं होता। मान हो गया, अपमान हो गया, यह बात होती नहीं है, क्योंकि निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं। निंदा स्तुति से जब प्रभावित नहीं होते हैं तो मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता है। और इसको बड़े सुंदर ना से स्वामी अखंडानंद जी महाराज समझाते हैं। किसी ने बताया कि उसने हमारी खूब निंदा की, तो बोले कचरे के ढेर पे बैठे होगे तू। कचरे के ढेर पे मैं बैठा कैसे रहा, शिष्य को समझा रहे हैं। तो बोले तुम कचरे के ढेर पे बैठे होगे इसीलिए तो निंदा की दुकान। कचरे के अभी शिष्य है तो उसका दिमाग चल रहा है कचरे के ढेर पे मैं कहां बैठा हुआ। देहांत भाव में बैठे हुए थे इसी के लिए उसने जो सारे शब्द कहे वे सारे के सारे शब्द अंदर गए। मुझे कह रहा मुझे मतलब किसको, मैं या ना मैंने, इसका मतलब मैं या ना देह। इसीलिए पहला शब्द था अत्यंत मलिनो देहो। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कचरे के ढेर पे बैठे हो, वहां पे यदि अगर बैठे हैं देहांत भाव में यदि अगर बैठे हैं मैं यानी इतना देह मात्र, यह यदि अगर विचार है तब फिर निंदा स्तुति मान अपमान ये सब की सब बातें लागू हो, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। जब इस बात को जानते हैं कि हम यह देह है ही नहीं तो ठीक है, जो वस्तु हम है नहीं उसके प्रति कोई कुछ कहे तो हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देह के बारे में हमारा पजेशन है, आसक्ति, यह मेरा है, मेरा नहीं बल्कि देह ही मैं हूं, और यह जो बात है यह बात हमको इन सब बातों में उलझाती है। फिर मान अपमान और इसका परिणाम है सुख और दुख। फिर सुखी होते हैं दुखी होते हैं, ये जो महात्मा है ये सुखी भी नहीं होते हैं
आएंगे, दुख के प्रसंग आएंगे और दोनों भी नहीं रहेंगे। जैसे दिन के बाद में रात होती है और रात के बाद में दिन उठता है, ऐसे सुख के प्रसंग उगेंगे, रात होने के बाद नष्ट हो जाएंगे। दुख के प्रसंग उगेंगे, रात होने के बाद में नष्ट हो जाएंगे। इसी में अपना समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। यह व्यवहार अपना जीवन चलाते समय पूर्ण तौर पे होता है। अब निंदा स्तुति से कितने आप प्रभावित रहते हैं, एक गांव में महात्मा जी का आश्रम और महात्मा जी की सब लोग तारीफ करते हैं, बहुत आदर है महात्मा जी के विषय में। गांव के सब लोग आकर सेवा करते हैं, महात्मा जी की पूरी खातिरदारी होती है, सब कुछ चल रहा है। गांव में एक दिन एक नवजात त्यागा हुआ मिलता है और फिर चर्चा किसका, होते होते ये सारी की सारी बात आती है कि ये महात्मा जी का काम है। सारे के सारे गांव वाले वहां पर पहुंचते कि महात्मा जी हमने तो आपकी बड़ी सेवा की, आपसे हमने इतना सब कुछ ये किया और आप हैं कि आपने हमारे गांव में ही ये सब कर चुकी, अभी आपको पनिशमेंट यही है कि इस बच्चे को आपको संभालना। महात्मा जी कहते अच्छा ये मैंने किया है, ठीक है, कोई रिएक्शन। महात्मा जी ने बच्चे की देखभाल शुरू की, गांव वालों से स्वाभाविक है देश निकाला, कोई जाएगा नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई बात नहीं, उस दिशा में कोई नहीं जाएगा। काफी दिन जीत गए, वो जो लड़की थी जिसने यह बात कही थी कि ये मेरा लड़का है और ये महात्मा जी का काम है, वो अपने आप तड़प रही थी कि मैंने पैसे की लालच में जबरदस्ती महात्मा जी का नाम लिया। सालों बाद 15-20 साल के बाद में फिर वो एक दिन डिक्लेयर करती है कि ये महात्मा जी का काम नहीं है, ये अपने ही गांव के फलाने आदमी का काम है। गांव की जनता तुरंत महात्मा जी के पास है, महात्मा जी माफ कीजिए, उस लड़की को आगे करती है कि नहीं नहीं ये आपका बच्चा नहीं है, ये तो उस आदमी का, अच्छा ये उस आदमी का है, इसको उसको देना है, ठीक है ले जाइए। जिस दिन निंदा की उस दिन भी फर्क नहीं पड़ा, जिस दिन पश्चाताप के साथ आए और बहुत कुछ कहा, रोए गाए माफी मांगी, उस दिन भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो सिद्ध है वह निंदा स्तुति मान अपमान इनसे सुखी और दुखी नहीं होते। तो हमारे लिए दिशा निर्देशक क्या है, हमारे जीवन में भी सुख के और दुख के, मान के अपमान के, निंदा और स्तुति के प्रसंग रोज आते हैं और हम उसमें इतने उलझ जाते हैं कि हमारे जीवन का ध्येय भूल जाता है। दोबारा से जब नाम साधना शिविर में आते हैं तब पता, अच्छा हर रोज नाम लेना था, इतना जप करना था, वहां पे तो बड़ा आनंद आया था लेकिन भूल ही गए। तो हमारे जीवन का जो ध्येय है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में निंदा स्तुति के प्रसंग आए।
लाभ हानि के प्रसंग आए, सब में अपने मन की स्थिरता को हम बनाए रखें। एक बूढ़ी अम्मा बड़ी सुंदरता से अपने जीवन का तत्व ज्ञान बताती है, कहती है माइंड हार मान लो, हार मान ली झगड़ा खत्म। हमारा संघर्ष शुरू कहाँ होता है? मेरी बात सच है, मेरी बात सच है, मैं क्यों मानूं? और फिर पूरे के पूरे समय जो संघर्ष है चलते ही रहता है। वो बूढ़ी माई के जीवन का तत्व ज्ञान है, वो कहती है माई हार मान लो, झगड़ा ही नहीं बढ़ो, झगड़ा शुरू ही नहीं हो। तो यह जो बात है दोनों की स्थिति वही है, वह माई अनपढ़ है, लेकिन उसको अपना जीवन कैसे चलाना है इस बात का ज्ञान है। तो यह जो बात है यह अपने जीवन को चलाने के लिए आवश्यक बात है। महात्मा अपने जीवन को, भक्त अपने जीवन को इस प्रकार से चलाते, जो भी भक्त है, भक्त कभी वाद विवाद में नहीं फंसता। नारद भक्ति सूत्र, वादों न अवलंबे, अपने जीवन में कभी विवाद नहीं करना चाहिए यदि अगर अपने रास्ते पर चलना है, क्योंकि रास्ता भूल जाता है और इसी वजह से तू मैं तू तू, और यहाँ कोई गुजराती नहीं हो, लेकिन हमारे पीएम गुजरात के, गुजराती में हूँ तू तू हूँ तू तू हूँ तू तू चलते रहते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, उसी में सारा समय चला जाता है। वादों न अवलंबे, वाद शुरू करने से ही ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आगे शुरू होती है, और इसका एकमात्र परिणाम है दुख, और इसका कोई दूसरा परिणाम हमको प्राप्त नहीं होने वाला। तो ये जिस प्रकार से अपने जीवन को चलाते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को चलाते हैं। इन्हीं द्वंद्वों के साथ में आते हैं शुभ अशुभ, ये अच्छा है ये बुरा है। जीवन में अच्छी घटनाएं बुरी घटनाएं सब चलता है, इन्हीं सब में लगने की आवश्यकता नहीं। अपना जीवन चलाने के लिए अपना जीवन पूरा नियम से, अनुशासन से, डिसिप्लिन से चले। आप भक्तों का जीवन देखिए, उनके नियम देखिए, वो सवेरे से लगे हुए होते हैं। जो पुष्टि मार्गी होते हैं, ये सब के सब पुष्टि मार्गी भक्तों को आप देखिए, वो सवेरे उठेंगे, उठने के बाद जितना अपने लिए करना है उतना सब वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कर लेंगे। उनके घर में एक लड्डू गोपाल होगा और वो लड्डू गोपाल की सेवा पूरा परिवार करेगा। अपना ब्रश करना है भगवान का ब्रश करना है, अपने चाय पियेंगे भगवान को चाय देंगे, भगवान को देखे तब पीती है, फिर नाल बुला के भगवान की पूजा करना, पूरी पूजा, दोपहर की चाय देना है, खाना देना है, नाश्ता, जितना अपने लिए करते हैं हर काम भगवान के लिए करते हैं। और केवल इतनी ही बात है, तो लड्डू गोपाल की उम्र है 5 साल की, तो लड्डू गोपाल को घर में अकेले नहीं रखा जाता। फिर घर में अभी अकेले ही रखने की नौबत आई तो क्या करेंगे, एक ना एक को घर में रहना है, लेकिन अभी नहीं रह सकते हैं, जाना है। तो उनके लड्डू गोपाल की एक बास्केट होगी छोटी सी, उसमें उसको रख के अपनी पर्स में वो अम्मा साथ में रख के उसको लेके जाएगी, और पूरा समय पर्स को संभालेगी कि लड्डू गोपाल है उसको। भक्त है और पूरा समय उसी में लगा हुआ है, सततम योगी,
उसी में लगा है वो। सावधानी है कि मेरे साथ लड्डू होगा। एक अम्मा को उनकी दूसरी दोस्त कहती थी, आइए कभी हमारे घर में, लड्डू गोपाल से मिलने के लिए। और वो लोग गोपाल के साथ में बात करते, खाना खाया, पसंद आया, ठीक लगा, क्या कर रहे हो, देखा है हमारे घर में कौन आया है, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया, पूरा। तो कहती थी हमारे घर में आई है ना हमारे लड्डू गोपाल से मिलने के लिए, दिनों के आइए ना हमारे घर में। बोले हाँ बात मन तो बहुत है लेकिन हो नहीं पाता है तुम्हारे घर जाने की, मिलना चाहेगी उससे, मिलना चाहेगी कैसे पूछ रही है, मुझे घर में बुला रही हूँ। बोले नहीं आज लड्डू गोपाल को साथ में लेके निकले हो, और उससे निकाल के देखा ना किसके घर में आए हो तुम, देखा आंटी के साथ बात करो। उसका जीवन पक्का रास्ते में लगा हुआ है, वो इधर उधर नहीं जा रहा है, भक्त है, विभक्त नहीं, हम विभक्त है, वो भक्त है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अपना जीवन पूरा नियम से चलाएंगे, ऐसे जो है इनके जीवन में इनके हाथ से गलत कार्य होने की संभावना नहीं, क्योंकि क्या है समय ही नहीं। हम गलती तब करते हैं जब हमारे हाथ में खाली समय होता है, इसीलिए जितने भी रिटायर्ड लोग होते हैं सभी माताओं के लिए परेशानी का कारण होते। नाश्ते में क्या बनाया है आज? नाश्ता हो गया। खाने में क्या बन रहा है? खाना हो गया। दोपहर को क्या मिलेगा? रात को क्या मिलेगा? पूरा समय उसी में। फिर अम्मा डांट लगाती है, थोड़ा घूमने जाया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। मतलब क्या घर से बाहर जाओ तो छुट्टी मिली। और इसी चक्कर में करने है नहीं कुछ, फिर चलो क्या करते हैं, कुछ नहीं, गुप्ता जी चलो क्या करेंगे, ठीक है ताश खेलेंगे। गुप्ता जी चलो घूम के आते हैं, अब घूमने के लिए जाएंगे तो चलेंगे नहीं, एक चौराहे पे जाके बैठ जाएंगे, और वहां पे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसने क्या किया, किसके साथ बात की, इधर से कितने बजे गया, उधर से कितने बजे गया, कौन कितने बजे जाता है, कौन कितने बजे वापस आता है, चौकीदारी कर। ये जो भगत है इस भगत के हाथ में खाली समय भी नहीं। एक घर में शादी थी और वो जो दादी थी उस घर की एल शेप वाली, कितनी झुकी हुई बुढ़िया एल शेप, बात करना है तो ऐसी गर्दन उठा के उसको बात कर दी, लेकिन वो अपने कन्हैया के साथ में खुश। पोते की शादी है, 10-15 मिनट के लिए गई हॉल पे, बोलते मुझे छोड़ दो मेरा खाना है ना घर में, वो अकेला हो जाएगा, शादी तो आप लोग कर लो, उनको कोई पोते की शादी में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने गाना के साथ में आनंद। और ये जो है इनको जगत से कोई अपेक्षा नहीं है, और भक्त को भगवान से ही अपेक्षा है कि मेरे घर का ये काम ठीक करा दो, मेरे घर का वो काम करा दो। जैसे राशन के दुकान में एक महीने भर के काम की ग्रोसरी की लिस्ट डाल के आते हैं, सामान भिजवा देना, ऐसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के लिस्ट नहीं दे देते हैं, ये सारा भिजवा देगा, या ये उम्मीद नहीं करते हैं मुझको भी तो लिफ्ट करा दो, ऐसे वैसों को किया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दो, मुझको भी तो लिफ्ट कराने वाला चक्कर है।
तो क्या है उसके साथ आनंद से रहो। ये भी मांग नहीं होती है कि भगवान दर्शन दो। कब दर्शन दो? उसके साथ लगे हुए हैं, उसके साथ जी रहे हैं, पूरा का पूरा आनंद उठा रहे हैं, उनको कहते हैं भक्त। अब ये यदि अगर नहीं है तो हम विभक्त हैं। अपना जीवन चलाने के लिए अपना जीवन पूरा नियम से चला, जिससे रास्ते से भटक जाने की कोई संभावना नहीं। और ये नियम चलाने के लिए परिवार वालों को परेशान नहीं करते। दूसरी बात देखा, हमारे नियम के लिए परिवार परेशान होता है। हमने एक चरित्र देखा है, आम इंसान, एक उम्र के पश्चात वो टीचर गांव के सारे लोग सलाह मशवरा करने के लिए आते थे। कोई पूछने आया तो सलाह मशवरा करेंगे, बताएंगे। लेकिन अपने घर में भी किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं। पैसा आया, अच्छा, पैसा लाने वाले ने सारा कुछ कर करा के हिसाब दिया, इतना पैसा आया है, अच्छा। बहू, बहू के हाथ में। और जो वैयक्तिक दिनक्रम था, दिनक्रम में विशेष तौर पे बता रही हूँ, हमारे मन में हमेशा ये बात होती है कि साधना करें मतलब क्या करें, अपने जीवन को सही प्रकार से चलाएं मतलब क्या करें। रात को 3-3.5 बजे के बाद में 4 बजे जब भी नींद टूटेगी उठेंगे, अपनी माला हाथ में पकड़ेंगे और सामने टेरेस में जाके बैठेंगे एक कुर्सी, चलो शांति से। मैं उठा हूं तो परिवार के लोगों ने उठना जरूरी है, बिल्कुल। परिवार के लोग जब उठना है, जब उठेंगे, जब उनका ये है, चाय बनेगी तो आवाज दे देंगे, दादाजी चाय बनी, अच्छा चाय बन गई, ठीक है चलो चाय पियेंगे। फिर पूछ लेंगे, हाँ किसी को कुछ नहाना है, कोई जाने वाला है नहाने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजना है, अच्छा कोई नहीं ना है मैं नहा लूंगा, कोई नहीं रहा है तो मैं नहा लूंगा। नहा के निकलेंगे, भगवान के सामने बैठेंगे और उनको सारी पूजा पाठ कंठस्थ करना, अच्छा ठीक है बहू आज ऐसे करना, आज पूर्णिमा है ना, तो पूर्णिमा की अभी मैं सत्यनारायण की कथा कर लेता हूँ, वो प्रसाद बना के रख लेता, लग गया। पहले अभिषेक के साथ पूजा करी, फिर सत्यनारायण की पूजा करी, 12-12 तक भूख, घर में क्या हो रहा है। और उसके लिए ये नियम नहीं है कि जब मेरी पूजा होगी, जब प्रसाद भगवान को भोग चढ़ेगा तभी बच्चों को खाना मिलेगा, अच्छा तुम्हारा खाना जब बन जाएगा ना तो भगवान के लिए लाके वहां पे रख देना, अब बच्चों को खाना खिला दो, उनको स्कूल जाना, उनको भेज दो, उनको नौकरी में जाना है, उनको खाना दे दो। 12-12 तक भगवान के सामने, उसके बाद में अपना खाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, माला लेके बैठेंगे। शाम का समय हो गया, भगवान का जो कुछ करना है, उनको कहना है, वो सब कुछ करेंगे और पूजा की सारी तैयारी अपने हाथ से करेंगे। बर्तन धोने हैं, बर्तन रखने हैं, पूजा का सारा जो ये लेना है वो लेना है, फूल लेना है, घर पे किसी की जरूरत है, अपने करने से भूख है, पूरा समय उसी में लग गया, तो हाथ में खाली समय नहीं। शाम को कोई आए कुछ बात करने के लिए, जितनी बात की उतनी बात की, बाकी सब हमारे लिए जो बात होती है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं, उसके लिए यह एक उदाहरण होगा। इसी प्रकार से हमारा दिनक्रम होगा, ऐसे बात नहीं है, हम उससे प्रेरणा लेके अपने दिनक्रम को अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ हम लगे हो, हमारे नियम के लिए बाकी लोगों
बनाए रखे। ये जो है यह है अपने साथ व्यवहार करते, व्यवहार अपने साथ। और दूसरी बात होती है व्यवहार जो होता है, जैसे एक व्यवहार अपने साथ होता है वैसे एक व्यवहार सारे जगत के साथ है, क्योंकि जगत में हम अकेले नहीं जी रहे, हम सब लोगों के साथ में जी रहे। तो जगत में सबके साथ जीते समय कैसे व्यवहार है, अपेक्षा की बात बताई, बाकी सब बात बताई, लेकिन अपनी बाकी लोगों से अपेक्षा नहीं है, अपनी तरफ से सभी के प्रति प्रेम, सभी के प्रति प्रेम का व्यवहार, प्रेम के अलावा और दूसरा कोई व्यवहार नहीं। इस विषय को रामसुखदास जी महाराज बड़ी सुंदरता से लिखते हैं, वे बताते हैं कि देखिए दुकान यदि अगर उठानी है तो दुकान उठाने के लिए दो बात होती है, लेना और देना। तो जितना देना है दे दो, और जितना लेना है उसको माफ कर दो। तो हिसाब खत्म, हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, मतलब लेन देन का व्यवहार तो है ही, इसीलिए तो आए हैं, किसी से लेते हैं, किसी को देते हैं, किसी हिसाब पूरा करने का काम चल रहा है, और साथ ही साथ नया कर्जा भी लेते जाते हैं, और इसके लिए हमारी दुकान उठती नहीं। रामसुखदास जी महाराज कहते हैं यदि अगर इस दुकान को उठाना है देना दे दो, प्रेम का व्यवहार सबको देना। और जो लेना है माफ कर दो। इस प्रकार से यदि अगर व्यवहार है तो जगत का हिसाब जो है, यह जगत का हिसाब खत्म हो जाता है। बाहर निकलने का यही रास्ता। तो जगत में जीते समय किसी से भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखें, अनपेक्षा, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं, ये भी अपेक्षा नहीं हो माताओं की दृष्टि से कि पति महोदय समय से घर पे पहुंचे, कभी नहीं पहुंचते, समय से सब्जी ले आए कभी नहीं आती है। और पिता लोगों के लिए भी अनपेक्षा ये अपेक्षा नहीं रखे कि पत्नी मेरी बात माने, इतनी सारी पौराणिक कथाएं हैं, सीता जी को समझाया मानी नहीं, शिव जी ने समझाया मायके बुलाया नहीं है मत जाओ मानी नहीं, तो अभी कोई हमारी बात मानेगी, अनपेक्षा। किसी से भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, बच्चे हमारी बात माने, ये शिकायत होती है ना, बच्चे मानते नहीं। हमारे स्वामी जी के साथ किसी ने शिकायत की, स्वामी जी बच्चे मानते नहीं, स्वामी जी बोले शिकायत करने वाली 90+ और बच्चे मानते नहीं है 60+, बच्चे मानते नहीं। उनका उसके लिए उत्तर बहुत सुंदर है, ये कोई नई बात बताई,
बाप बेटे की जो पहली जनरेशन है, ब्रह्मा जी ने सनक सनंदना सनत कुमार सनातन चारों को बताया बनाया और बताया प्रजा की निर्विधि करो, चारों संन्यास लेके गए। नारद जी को बताया, नारायण नारायण करते घूम रहे हैं। पहली जनरेशन से जो परंपरा चली आई है अभी बनेगी, और दूसरी बात आपके बच्चे कैसे मानेंगे? अनपेक्षा मानेंगे नहीं मानेंगे तो ठीक ही है, कोई नई बात नहीं है, हमारे घर में अद्भुत बात नहीं हो रही है, यही चलता आया है। ये सब यदि अगर चल रहा है तो इसका मतलब है सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। तो ये बात यदि अगर हम स्वीकार कर लेते हैं अनपेक्षा, तो हमको भगवान में मन लगाने के लिए समय भी मिलेगा और मन भी उपलब्ध रहेगा, अन्यथा अपेक्षाओं में ही हमारा मन भटक जाता है, हम अस्थिर हो जाते हैं, ना तो हमारे पास समय है ना तो हमारे हाथ में हमारा मन उपलब्ध है, वो बिगड़ जाएंगे। जिसको जो करना है वही करता है, हमारे कहने से नहीं होता। पंजाबियों की कहावत बहुत सुंदर है, उसको पकड़ के चलिए, पूत सुपूत तो क्यों कमाऊं, कमाएगा पूत कपूत तो क्यों कमाऊं, बर्बादी करने वाला है, मतलब क्या अपने आप चलो अपने आप चलो, ज्यादा इधर उधर की चिंता नहीं करो। यह जो बात है, ये जो लक्षण है यहाँ पर बताए हुए, इन लक्षणों को वो जी रहे हैं, उन सब के लिए भक्तों के लिए यह बात बड़ी सहज और स्वाभाविक है। अपने मन को हर स्थिति में स्थिर रखते हैं। संत एकनाथ महाराज के जीवन से दो उदाहरण देंगे। एक, गोदावरी जी से नहा के निकले और वहां पे एक महात्मा खड़े थे, वो नहा के निकले कि ये ऊपर थूके, शांति से जाके डुबके लगा के, एक बार दो बार 108 बार बाद में थूकने वाला थक गया, पैर पकड़ने उसे, तो कहते हैं देखो पहले मैंने कुछ गलत काम किए थे तो तुम्हारे निमित्त से भगवान ने मुझे 108 बार गोदावरी जी में डुबकी लगाने का मौका दिया, नहीं तो मैं कहां 108 बार डुबकी लगाता। जगत के साथ प्रेम का व्यवहार, उनको तकलीफ देने के लिए, जब कोई शांत होता है ना तो दूसरों को बहुत मजा आता है कि उसको थोड़ा चिढ़ा दे, किसी को पटा पटा के भेजा उनके घर, और उनके घर पर रिवाज था कोई भी मेहमान आए उनको खाना खिलाओ, ये करो वो करो, रोज का काम था, रोज आते थे खाना खा के जाते थे, और उनकी बीवी परोस रही है, इसको पहले से ही सिखा कर रखा है ये जाके उसके पीठ पर पीछे से चढ़ो। एक मेहमान सामने खाने के लिए बैठे हैं, ये उनकी बीवी के पीठ पर चढ़ा हुआ है, वो माई भी कहती है अरे हरी, उनके लड़के का नाम हरी,
अरे तुम तो मेरे हरी के जैसे ही हो, मेरे हरी को भी ऐसी आदत। और एक नाथ महाराज शांत है, जो आदमी था उसको इतनी शर्म लगी, उसने दोनों के पैर छू, बोले देखिए ये आपके गांव के लोगों ने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए भेजा है, लेकिन आप वास्तव में संत है, आप वास्तव में भगत है। और इस एकनाथ महाराज के घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण काम करते थे, वो नौकर थे। को तो जो भक्त है, वो भक्त अपने साथ जब व्यवहार करते हैं तो अपना जीवन नियम से चलाते हैं, और जब जगत के साथ में व्यवहार करते हैं तो जगत के साथ में प्रेम से व्यवहार करते हैं। मेरे प्रेम के, ये प्रेम ऐसा नहीं है तुम मुझे प्रेम दो तो मैं तुमको प्रेम दू, तुम मुझे गाली दो तो मैं और चार दू, यह बात नहीं है। आप मुझे क्या दे रहे हैं इस बात का गणित नहीं है, हिसाब नहीं है, अपनी तरफ से सबके प्रति प्रेम है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी मूर्तियां उसकी बनाई हुई, ये सारी की सारी मूर्तियां उसकी अभिव्यक्ति, ये क्रूरता से व्यक्त होता है, ये प्रेम से व्यक्त होता है, इस बात का वहां पे कोई हिसाब नहीं। लेकिन खराब व्यवहार करते हैं, क्रोध करते हैं, उसका क्या करें? एक उदाहरण बता, हमारे स्वामी जी के सत्संग में बड़े लोगों के साथ में बच्चे भी आते हैं, और कोई माहौल नहीं बनता है कि बच्चे आए हैं और बच्चों ने कुछ बात करनी, शांति से चलता रहता है, क्योंकि हमारे स्वामी जी का कहना है कि देख मैं यहाँ पे किस लिए आता हूँ, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए नहीं आता हूँ, मैं टाइम पास करने के लिए आता हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही एक परिवार से आते थे, एक दिन उनको नाश्ते के लिए घर में बुलाया, तभी तो नाश्ता बन रहा है, पत्नी महोदया उवाच, स्वामी जी क्या बताएं, इनका तो सब ठीक है लेकिन इतना गुस्सा आ रहा है, क्या करें? हम जी स्वामी जी सोच ही रहे हैं कि क्या करें, क्या जवाब देना चाहिए। और उनका बच्चा जो सत्संग में आता था 8-10 साल का था, बोलते स्वामी जी मैं बताऊं, बढ़िया है यार, मेरा जवाब कोई और देना चाहिए तो मेरा जवाब दे, मम्मी हम लोग स्वामी जी के सत्संग में जाके क्या सुनते हैं, स्वामी जी यही बात बताते हैं ना, सब चीज ब्राह्मण है। अब इस बात का जो मर्म है वह भक्तों को पता होगा, इसके लिए हर चीज ब्रह्मन है, हर चीज भगवान है, अलग रूप में व्यक्त हो रही है, क्या फर्क पड़ता है, उसकी मर्जी, उसको जैसे व्यक्त होने की इच्छा है उस प्रकार से व्यक्त हो रहा है, आपत्ति करने वाला मैं कौन हूं, उसको सुधारने वाला मैं कौन हूं, संभव है तो सेवा करूंगा, संभव नहीं है तो सेवा करने वाला भी मैं कोई नहीं हूं। भक्त का जीवन बहुत सरल है, बहुत सहज है, हम भी अपने जीवन को बहुत सरल और सहज बनाए,
जीवन को सरल बनाना यही सबसे कठिन लगता है, क्योंकि हम बन चुके जितने बन चुके हैं वो जो जो भी बने हैं, हम पैदाइशी माँ बाप भाई बहन कोई नहीं होते, हम बनते हैं। जितने भी हमारे सारे रिश्ते हैं हमने बनाए हैं, मूलतः या तो स्त्री है या तो पुरुष है। और जो सुखी और दुखी होने वाले हैं वो माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते वाले हैं। जो पुरुष है जो स्त्री है वो दुखी नहीं हो सकते। तो क्या करें, सिलेक्ट सबका सब, सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट। ये करने से क्या होगा, सिर पर से सारा का सारा बोझ उतर जाएगा। ये निभाना है वो करना है वो करना है वो करना है, बोझ उतर जाएगा। और बोझ उतरने के बाद में फिर क्या करेंगे, खाली तो नहीं बैठना है, करना तो है कुछ ना कुछ। जो कुछ भी काम सामने दिखाई दे रहा है उसको टाइम पास करके करो। उसके लिए कर नाटक चले जाओ, कर नाटक पूरा समय करना ठीक है, नाटक चलते रहे, ये ऐसा है ठीक है, अभी क्या करना है डांटना है, हाँ 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 डांट दिया, नहीं माना तो नहीं माना, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारी ये बात होती है मैंने कहा, मेरे कहने के बावजूद आप नहीं मानते, मैं कौन क्यों उसकी सदृश हो मैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो भक्त के लक्षण है इन लक्षणों को हमको अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन को सहज और सरल बनाना है, अपना कोई भी मत नहीं रखना। यह जो बात है इस बात को हम लेकर चले। अब ऐसा जो भक्त है जो बड़ी सरलता से जीता है, अपना नियम तो ठीक से चलाता है, बाकी सबके प्रति प्रेम रखता है, क्योंकि ये सब के सब मेरे प्रभु के अवतार है, भले ही एंग्री ब्राह्मण है जो भी है तो अभिव्यक्ति प्रभु की ही। इस प्रकार से प्रेम से ही सबके साथ व्यवहार करता है। यहाँ मत भक्त सहा में प्रिय, वही मुझे प्रिय। भगवान ने ये नहीं बताया है कि मेरे लिए ये व्रत करने वाला मुझे प्रिय है, मेरे लिए इतना दान देने वाला मुझे प्रिय है। प्रभु ने सिर्फ इतना बताया है इस जगत के साथ में जो मेरी निर्मिति है उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार करने वाला है, जो प्रेम से व्यवहार करने वाला है वही मुझे प्रिय। तो हम जब भक्त बन जाएंगे तो ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए अभी से शुरू हो जाए तो बाद में परेशानी नहीं होगी कि कैसे व्यवहार करें, उसकी अच्छी आदत हो जाएगी। तो हम सब के साथ प्रभु के प्रिय भक्त बने, प्रभु हमको यह प्रिय भक्त बनने की क्षमता दे, इच्छा दे। इसी के साथ